नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बनाएंगे भगवान के लिए बत्ती, जो कि हम बनाएंगे घी की बत्ती जो बाज़ारों में मिलती है वैसी बनाएंगे। देखिए, हमने ये ट्रे लिया है, ये इस आइस ट्रे में मैं बत्तियों को थोड़ा सा फैला के, ये देखिए फैला फैला के इसको ऐसे में जमा दी हूँ, सभी को जमा दी हूँ। ये बत्ती ऐसी बत्ती है, गोल बत्ती जो मार्केट में मिलती है, उसको हमने लिया है। एक कटोरी घी लिया है हमने, और कपूर लिया है, 20-25 कपूर लिया है। तो कपूर को भी अलग से जलाना नहीं पड़े लगाना नहीं पड़ेगा। तो कपूर, घी, घी को हम गरम करेंगे, और गरम घी में हम डालेंगे कपूर, और कपूर को डाल के हम उसको घी को थोड़ी देर पकाएंगे, मतलब गरम घी में ही डाल देंगे, कपूर अपने आप घुल जाएगा। और फिर हम एक एक चम्मच घी को ये आइस ट्रे में डालेंगे, और आधे घंटे बाद मेरी जो बत्ती है वो घी बत्ती बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए मैं बत्ती को कैसे बनाती हूँ। और ये आपके लिए, सावन का महीना चल रहा है, भगवान के लिए अपने घर में शुद्ध दिया बाती बनाने के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए। और ये बत्ती बहुत अच्छी और कम घी में बनके तैयार हो जाती है। और एक बत्ती आप निकालिए और जलाइए, जगह भी नहीं घेरेगा। और बत्ती को भर के डिब्बे में, एक डिब्बे में सारी बत्तियों को भर के रख दीजिए। और घी बत्ती में जो हम डुबा के रखते हैं उसमें हाथ हमारा ख़राब होता है, और हाथ तो ख़राब होता ही है, घी भी बहुत बर्बाद जाता है। तो ये जो है एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा। तो ये बत्ती, घी की बत्ती को ऐसे रख के दिए में हम इसको जला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम घी को गर्म करने के लिए रखते हैं। घी हमने गोवर्धन घी लिया है, पैक डिब्बे को अभी खोला है, और जो उपयोग किया हुआ घी वो हम नहीं रखे हैं। इस डिब्बे को खोल के एक कटोरी घी हमने निकाल लिया, इसको हम गर्म करने रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, घी हमारा गर्म हो गया, तो उसमें हम ये केम्पर बॉल को या कपूर को डाल दिए हैं। अब कपूर को घुलने तक थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, और कपूर अपने आप घुल जाएगा। और फिर हम उसको एक एक चम्मच, छोटी चम्मच से इसमें आइस ट्रे में डालते जाएंगे, और मेरा ये बन के तैयार हो जाएगा। आइस ट्रे जो है वे, ये हमारा सिलिकॉन का है, सिलिकॉन में आपको बत्ती निकालने में बहुत आसानी होगी, तो उपयोग आप सिलिकॉन वाला ही ट्रे करें आप इसके लिए। मैं घी बत्ती बनाने के लिए मैं नया ट्रे खरीद के लाई हूँ भगवान के लिए, पूरा अलग अलग। तो चलिए अब मैं इसको चला हिला के गरम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये कपूर जो है लगभग घुल गया है, बस 2 मिनट बाद ये पूरा घुल जाएगा। इसको हम एक बार ऐसे चलाते रहेंगे चम्मच से, स्पून से, और उसके बाद हम एक एक चम्मच या 2-2 चम्मच डाल के एक घी बाती हम बनाएंगे, जो कि शुद्ध और घर का बन के तैयार हो जाएगा, जो कि अपने मन में भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने भगवान के लिए ये बत्ती बनाई। तो चलिए दोस्तों, हम जब उसमें डालने लगेंगे तो सिलिकॉन ट्रे में, तो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा पूरा घुल गया, अब हम इसको बंद कर दिए हैं, और थोड़ा सा ठंडा होगा तब हम इसको डालेंगे। तो डाल के और दिखाती हूँ मैं। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, और सिलिकॉन ट्रे में ही आप जमाइएगा, जिससे वो गर्मी उतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके, नहीं तो दूसरी ट्रे जो है पिघल जाएगी। तो सिलिकॉन ट्रे में ही मैं इसको जमाऊंगी, ये थोड़ा सा ठंडा और हो जाए, फिर मैं इसको डाल लूँगी, एक चम्मच पूरे उस ट्रे में डालूँगी। देखिए हम सब में डाल दिया है, और ये इसको 2 घंटे के बाद इसको हम आपसे फिर मिलेंगे। 2 घंटे बाद ये हमारा अच्छा जम के तैयार हो जाएगा, फिर उसको हम निकाल के और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बत्ती कैसी बनी। मिलते हैं 2 घंटे बाद। देखिए दोस्तों, मेरी बत्ती बन के तैयार हो गई, अब इसको निकाल के डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी बत्ती बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बत्ती बनी है। उम्मीद है आप ऐसी बत्ती बनाएंगे और अपने पूजा घर में इसका उपयोग करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये है मेरी बत्ती।